आज विद्यालय में छात्र परिषद चुनाव हो रहे हैं और भैया बहन अपने अपने चुनाव चिन्ह दिखाकर यहाँ जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो रोशनी बहन अभी चुनाव प्रचार कर रही है। रोशनी बहन बताइए, आप क्या बताना चाहते हैं सबको? अब नवीन भैया अपना प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर। अब बहन लक्षिता अपना चुनाव प्रचार कर रही है यहाँ पर। हाँ रोशनी बहन आप बताइए वापस। मेरा नाम राशनी है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ और इस बार छात्र परिषद चुनाव के लिए मुझे सचिव पद का उम्मीदवार चुना गया है। तो कृपया आप मुझे इस मुबारक जी को वोट दीजिए और मुझे अपना विजय बनाए। वेरी गुड। अब नवीन भैया अपना चुनाव प्रचार करें वापस, जल्दी से बोलो। अब आरिश भैया अपना चुनाव प्रचार करने आए हुए, बताइए भैया। आरिश खान है, मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ और छात्र परिषद के चुनावों में सचिव पद पर खड़ा हुआ हूँ। कृपया आप मुझे विजय बनाने के लिए मेरे चुनाव चिन्ह दिल्ली पर मोहर लगाएं। यहाँ पर चुनाव कक्ष है, यहाँ पर मतदान किया जाएगा। ये देखिए दो यहाँ पर लगा रखे, एक ये और ये यहाँ पर। अब आचार संहिता लग चुकी है और सभी जो आचार संहिता लग चुकी है, जाइए अपने अपने कक्ष में। अब वोट डालने का समय आ चुका है, चलिए। और यहाँ पर दोस्तों अभी चुनाव प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर सभी भैया बहनों में वोट डालने के लिए बहुत उत्साह है। बच्चों कैसा लग रहा है आपको वोट देके? पहली बार दे रहे हो ना, मस्त लग रहा है ना? तो चलिए अभी भैया बहन वोट देंगे, एक एक भैया बहन, ठीक है। यहाँ पर हमारे गुरु जी दीदी बैठे हुए हैं वोटिंग करने के लिए, चलिए बुलाइए। और पहला वोट डल रहा है अभी, गुरु जी समझाते हुए। मतदान प्रक्रिया चल रही है अभी, देखिए आप विद्यालय में। हमारे उम्मीदवार भी आ चुके हैं भैया। मतदान केंद्र भैया कक्षा 10 के भैया आ गए हैं वोट देने के लिए यहाँ पर। दीदी यूं रहना ना। अगले प्रत्याशी भी आ चुके हैं, ये स्वयं उम्मीदवार है और खुद वोट देने आए हैं।
और ये भैया वोट दे के आए, अपने जीवन का पहला वोट दिया इन्होंने, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, पहली बार वोट दिया है ना। चलो ठीक, भैया बहन अपनी अपनी आईडी भी लेके आए। आईडी चेक की जा रही है यहाँ पर, हमारे बच्चे वोट देने के लिए आए हैं। कैसा लग रहा है आपको पहली बार वोट देके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ले, बाय 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 बाय, चलो। मतदान केंद्र पे बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, देखिए आप, बच्चों में जो उत्साह है वो देखने लायक है। अरे तीन तीन आके क्यों खड़े हो रहे हो? उधर वो एक जना, अरे इस पे लगा फूल को देगी नहीं। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो चुका है और मतदान पूर्ण हो चुका है, संपन्न हो चुका है मतदान कार्य।